सो हेलो, मेरा नाम है अभिषेक और स्वागत करता हूँ एक बार फिर आपके प्यारे चैनल जे आर ट्यूटोरियल्स में। सो बच्चों, कैसे और आप सभी लोग, आई होप आप लोग की पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही होगी, बढ़िया चलनी भी चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो 10th का साइंस 2 है उसमें काफी सारे लेसन राहुल सर ने पढ़ाए और कुछ लेसन मैंने भी पढ़ाए हुए। ठीक है, तो राहुल सर ने मुझे एक और लेसन दिया था जिसका क्या नाम है, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। इसको भी आपको मैं ही पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, सो आज से इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे हमारा लेसन 8th लेसन जिसका नाम है सेल बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। तो ये लेक्चर नंबर 1 है जिसमें हम लोग थोड़ा सा सेल बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि सेल क्या क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से टाइप से सेल्स हम लोगों को मिलते हैं, फिर हम लोगों को एक सेल के बारे में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है, दैट इज स्टेम सेल। ठीक है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी कि आखिरकार बायोटेक्नोलॉजी क्या होती है, इसके यूजेस क्या है, बड़ी सारी चीजें हम लोग इस लेसन में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपको एक छोटा सा अनाउंसमेंट देना चाहता हूं कि हमारा जो जेआर ट्यूटोरियल्स का एप्लीकेशन है वो भी लाइव हो चुका है प्ले स्टोर के ऊपर। तो अगर आपने अभी तक नहीं डाउनलोड किया तो जाकर डाउनलोड कर लेना, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट एप्लीकेशन है, आप लोगों को इजीली मिल जाएगी प्ले स्टोर के ऊपर। बस वहां पर सर्च करना जेआर ट्यूटोरियल्स, हमारा जो चैनल है, राहुल सर का जो फोटो चैनल का लोगो, वही आप लोग को ऐप पे भी देखने के लिए मिल जाएगा। क्लियर है? उसे डाउनलोड कर लो, बहुत सारे क्विजेस आपको देखने मिल रहे हैं उसके ऊपर, बहुत सारे आपके टेस्ट सीरीज चालू हो गए हैं, बहुत सारे लेक्चर्स वीडियोस भी आने वाले हैं उसके ऊपर, तो वो चीज जरूर से डाउनलोड कर लेना, बहुत ज्यादा यूजफुल होगी आपके लिए। और तो और अगर आपको पूरी बायोलॉजी में कोई भी डाउट होता है, पूरी बायोलॉजी मतलब क्या, जो आपका साइंस 2 वाला पार्ट है, साइंस 2 मेनली बायोलॉजी से रिलेटेड है ना, तो आपका जो साइंस 2 वाला पार्ट है उसमें जो जो लेसन मैंने पढ़ाया है या फिर जो मैंने नहीं पढ़ाया है, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, अगर आपको उसमें कोई भी डाउट होता है तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे आगे जाकर मैसेज कर सकते हैं, या फिर आपको कोई फीडबैक देना है तो भी आप बता सकते हैं, या फिर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है तो वो भी आप वहां पे आके मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहां पे डाउट पूछते हैं तो आप भी आके वहां पे अपनी चीजें क्लियर कर सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, समझ में आया? तो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेसन, दैट इज सेल बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सेल बायोलॉजी के बारे में कि आखिरकार सेल बायोलॉजी होती क्या है, उसके बारे में हम लोग थोड़ी सी चीजें डिस्कस करने वाले हैं कि सेल बायोलॉजी का मतलब क्या। देखो, सेल बायोलॉजी को ही साइटोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, सेल बायोलॉजी को भी साइटोलॉजी भी कहते हैं। देखो, साइटोलॉजी, लॉजी यहां लिखो, साइटोलॉजी, सेल बायोलॉजी में साइटोलॉजी बोलता हूं। तो लॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे बायोलॉजी में भी एक लॉजी आता है, तो लॉजी का जनरल सा मतलब होता है स्टडी। ठीक है, लॉजी का मतलब क्या होता है, स्टडी। दो वर्ड से मिलकर बना हुआ ये वर्ड, दैट इज स्टडी। और साइटो का मतलब होता है या तो सेल की बात कर लो, ठीक है, आप सेल की बात कर लो, या फिर सेल ऑर्गेनलीज की बात कर लो। ठीक है, सेल ऑर्गेनलीज, ऑर्गेनलीज समझते हो, सेल के अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट होता है, सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, न्यूक्लियस होता है, गॉल्जी एपरेटस होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी दो प्रकार के होते हैं ना, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, साइटोप्लाज्म होता है, ऐसे बड़ी सारी चीजें आपके एक सेल के अंदर कंसिस्ट होती है। तो वो जो चीजें हैं ना, सेल के अंदर जो चीजें प्रेजेंट है उसे हम लोग सेल ऑर्गेनली कहते हैं। तो अगर या तो आप सेल के बारे में स्टडी कर रहे हो या तो आप सेल के ऑर्गेनलीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, तो इस पूरी स्टडी को हम लोग क्या कहेंगे हम लोग, दैट इज सेल बायोलॉजी या फिर साइटोलॉजी। क्लियर है? समझ में आ गया? सो आज हम देखते हैं सबसे पहला डेफिनेशन, साइटोलॉजी या फिर सेल बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या है, दैट इट इज अ स्टडी ऑफ सेल टाइप्स एंड सेल टाइप्स ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनलीज। ठीक है, सेल टाइप ऑफ द सेल एंड सेल ऑर्गेनलीज के बारे में अगर आप स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप क्या कर रहे हो, स्टडी कर रहे हो, तो उसे मैं क्या कहूंगा, साइटोलॉजी और सेल बायोलॉजी। समझ में आ गया? ठीक है, फिर आपकी बुक क्या बोल रही है कि भैया हमारे इंडिया में पुणे और बैंगलोर में, ठीक है, कहां पे, पुणे और बैंगलोर में कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, रिसर्च इंस्टीट्यूट है जो मेनली किस पे रिसर्च कर रहे हैं, हमारे सेल के ऊपर। ठीक है, तो कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट भी है, उस पर भी आप जाके ऑनलाइन बहुत सारी चीजें देख सकते हैं कि अभी उनके यहाँ पे कौन सा प्रोजेक्ट चल रहा है, कौन सी चीजें वहां पे वहां डिस्कस की जा रही है। क्लियर है? समझ में आ गया? तो सेल बायोलॉजी आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सिंपल सा मतलब है ना। अगर जिसको नहीं समझ में आया, देखो वापस सुन लो, क्या है, क्या है, देखो सेल बायोलॉजी का मतलब सिंपल सा है कि अगर आप स्टडी कर रहे हो, किसके बारे में स्टडी कर रहे हो, अगर आप सेल्स के बारे में स्टडी कर रहे हो, ठीक है, अगर आप सेल के ऑर्गेनलीज के बारे में स्टडी कर रहे हो, या फिर अगर आप किसी भी टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में, टाइप्स ऑफ सेल मतलब क्या हो गया, सेल्स की स्टडी हो गई ना, तो अगर आप इन चीजों के बारे में स्टडी कर रहे हो, इसके ऊपर रिसर्च कर रहे हो, तो वो सारा एक कैटेगरी के अंदर आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी, या फिर उसी को आप बोल लो सेल बायोलॉजी। क्लियर है? समझ में आ गया? ठीक है, तो अब इसी के अंदर एक फंडा आता है बायोटेक्नोलॉजी का। इसी लेसन में हम लोग को चीजें पढ़नी है बायोटेक्नोलॉजी की, जो मैंने हाला थोड़ा सा
हम लोग ने थोड़ा सा डिस्कस किया था बायोटेक्नोलॉजी के बारे में लास्ट लेक्चर में, ठीक है। लास्ट लेसन का जो लास्ट लेक्चर था उसके कुछ लास्ट के जो 2-3 मिनट थे, मैंने आपको थोड़ी थोड़ी चीजें बताई थी और मैंने आपको वहां पे बोला था कि हम लोग इसके बारे में मेनली डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट लेसन में। तो इस लेसन में हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो बायोटेक्नोलॉजी भी किसके अंदर हो रही है, सेल के अंदर हो रही है, क्या होता है उसके अंदर, वो भी हम लोग जानेंगे इस लेसन में धीरे धीरे, एक एक करके सारी चीजें हम लोग समझेंगे। क्लियर है, समझ में आ गया? तो अभी इतना सबको क्लियर है, आई होप आप लोग को इतनी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। नेक्स्ट हम लोग एक टाइप ऑफ सेल के बारे में पढ़ना है जिसका नाम है स्टेम सेल, ठीक है। हमको स्टेम सेल्स के बारे में पता करना है कि आखिरकार स्टेम सेल्स क्या होते हैं। देखो मैंने आप लोग को, याद करो मैंने आप लोग को थर्ड लेसन पढ़ाया था। थर्ड लेसन क्या था आपका? लाइफ प्रोसेसेस एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म पार्ट टू, जिसके अंदर क्या था, मेनली रिप्रोडक्शन वाला लेसन था, ठीक है, जिसमें एक मेल गैमेट था और एक फीमेल गैमेट था, दोनों आके फर्टिलाइजेशन करते थे, जहां पे मैंने आप लोगों को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ाया था। तो मैंने क्या पढ़ाया था आप लोग को, थोड़ा सा मेमोराइज करते आ जाओ, बहुत सारी चीजें इसमें काम आने वाली है। तो देखो यहां पे एक मेल गैमेट है, एक मेल गैमेट है और एक फीमेल गैमेट है, दो गैमेट्स हैं, ठीक है। हमेशा अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो पेरेंट्स होते हैं, दो पेरेंट हम लोग बोलते हैं, या फिर दो ऑर्गन्स बोल सकते हैं, जिसके अंदर एक मेल गैमेट बनेगा और एक फीमेल गैमेट बनेगा, ठीक है। और दोनों का क्या होने वाला है, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, मतलब दोनों आके फ्यूज हो जाएंगे और एक सेल बनाएंगे। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज जायगोट, ठीक है। इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, जायगोट, सही है। जायगोट क्या है, इट इज अ सिंगल सेल्ड स्ट्रक्चर, ये क्या है, एक सिंगल सेल है जो किससे बना हुआ है, जो बना हुआ है फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, जो किससे बना हुआ है, दैट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, ठीक है, समझ रहे हो, ठीक है। मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होने के बाद एक सेल बना, एक सिंगल सेल बना, जिसे मैंने क्या बोला, जायगोट। और जायगोट हमेशा क्या होते हैं, 2n यानी डिप्लॉयड होते हैं। इसका मतलब आपका जो मेल है वो क्या है, 1n, और आपका जो फीमेल है वो क्या है, 1n, सही है। और यहां पे क्या हुई है, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस हुई है, फर्टिलाइजेशन की वजह से क्या हो गए, दोनों फ्यूज हो गए एक दूसरे में, सही है, दोनों क्या हो गए, एक दूसरे में फ्यूज हो गए, जिसके वजह से यहां पे क्या फॉर्म हो गया, एक सेल फॉर्म हो गया। इस एक सेल को मैंने क्या बोला, जायगोट बोला, क्लियर है, ठीक है। अब देखो इस सेल के पास, इस सेल के पास एक ऐसी पावर है, अब देखो इस सेल से ही आगे चल के पूरा का पूरा बेबी फॉर्म होगा। बेबी मतलब क्या, एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, बेबी अच्छा वर्ड नहीं है लिखना, हम लिख देते हैं ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सो इस जायगोट से, इस एक जायगोट से, एक सेल वाले जायगोट से आगे चले क्या फॉर्म होगा, एक पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म फॉर्म होगा, सही है। मतलब इसके पास इतनी ताकत है, इतनी पावर है, इतनी पावर है सेल डिवीजन की, क्योंकि देखो एक ऑर्गेनिज्म में अराउंड अराउंड 2-3 बिलियन सेल है, कितने सेल है, 2-3 बिलियंस ऑफ सेल्स है। तो अगर आपके पास इतनी ताकत है कि आप एक सेल को डिवाइड कर करके कर करके कितने सेल्स बना दो, 2-3 बिलियन सेल्स बना दो, तो इस पावर को क्या कहते हैं, इस पावर को हम लोग कहते हैं टोटिपोटेंसी, ठीक है। इस पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टोटिपोटेंसी, समझा, टोटिपोटेंसी क्या होता है, टोटिपोटेंसी इट इज अ पावर, ठीक है। ये क्या है, एक पावर है जो आप क्या कर सकते हो, जिसमें एक सिंगल सेल, एक सिंगल सेल एक नए ऑर्गेनिज्म को क्या दे सकता है, जन्म दे सकता है। तो ऐसे पावर को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज टोटिपोटेंसी। फिर एक और वर्ड आता है, दैट इज प्लूरीपोटेंसी, प्लूरीपोटेंसी। देखो वर्ड समझ लो, बहुत देखो वर्ड सुनने में बहुत ही तुम लोगों को डरावने लग रहे होंगे, लेकिन कुछ इसका मीनिंग डरावना नहीं है। टोटिपोटेंसी का जनरल सा मतलब अभी आप लोगों को समझ गया कि अगर एक सेल है और उस सेल के पास इतनी ताकत है कि वो बहुत सारे टाइप्स के सेल बना सके, ठीक है, अलग अलग टाइप्स के सेल बना सके एक सेल की ताकत को, तो हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज इट इज हैव अ टोटिपोटेंसी। वही अगर मैं प्लूरीपोटेंसी की बात करूं तो प्लूरीपोटेंसी क्या होती है, फॉर एन एग्जांपल ये हमारा जो जायगोट है, अब इसने डिवीजन शुरू कर दिया, तो ये एक जायगोट था, ठीक है, अब इसने डिवीजन करके बहुत सारे टाइप्स के सेल बना लिए, ठीक है। फॉर एन एग्जांपल अभी हम लोग इनिशियल स्टेज पे ही है और ये इसने क्या कर दिए, कुछ कुछ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बना दिए, ठीक है, क्या बना दिए इसने, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बना दिए। अब देखो इन थाउजेंड्स ऑफ सेल्स में ये जो एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, ये एक टाइप का जीन सेल बनाएगा। फॉर एग्जाम्पल ये आपके लंग्स का जीन बना, सॉरी आपके लीवर का जीन बना, तो मैं इसको बोलूंगा दैट इज ल्यूसाइट, ठीक है, ये ल्यूसाइट बनाएगा आगे चल के। फिर अगर मैं बात करूंगा ये आपके हार्ट का सेल बनाएगा, तो मैं बोल सकता हूँ ना अलग अलग टाइप के सेल्स बना रहे, कोई आपके ब्रेन का सेल बना रहे, तो मैं उसे बोलूंगा दैट इज न्यूरॉन बनाएगा वो आगे चल के, समझ रहे हो। तो मतलब ये एक सेल ये पूरे ऑर्गेनिज्म को नहीं बना रहा, ये सिर्फ एक टाइप के सेल को बना रहा है, सही है। मतलब इससे आगे चल के पूरा का पूरा न्यूरॉन बनेगा, इससे आगे चल के पूरा का पूरा ल्यूकोसाइट बनेगा, ल्यूकोसाइट मतलब क्या, आपके जो लिवर के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, लिम्फोसाइट। उसके बाद क्या बोल सकता हूं मैं कि यहां पे कुछ ऐसे सेल्स होंगे जो आपके मसल सेल्स बनाएंगे आगे चल के, ऐसे एक सेल है जो क्या बनाएगा आगे चल के, मसल सेल का फॉर्मेशन करेगा, समझ में आ रही बात। तो देखो
यहां पे क्या मैंने बोला कि इस एक सेल के पास पावर है एक एक टाइप का सेल बनाने की। यहां पे क्या था, इस जायगोट के पास पावर थी हर टाइप का सेल बनाने की। तो इसको मैंने क्या बोला था, टोटिपोटेंसी। मतलब टोटिपोटेंसी इज अ ओवरऑल पावर। अगर आपके पास टोटिपोटेंसी वाली पावर है तो आप किसी भी टाइप का सेल बना सकते हो। सही है, आप किसी भी टाइप का क्या बना सकते हो, सेल बना सकते हो। लेकिन अगर आपके पास प्लूरीपोटेंसी है तो प्लूरीपोटेंसी मतलब क्या कि आप एक स्पेसिफिक टाइप का ही सेल बना पाओगे। ठीक है, आप एक स्पेसिफिक टाइप का ही सेल बना पाओगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेल हूं और मेरे पास प्लूरीपोटेंसी वाली पावर है तो मैं एक ही सेल बना पाऊंगा। या तो मैं न्यूरॉन बना पाऊं, या तो मैं हार्ट के सेल्स बना पाऊं, या तो मैं सिर्फ आगे चल के फॉर एग्जांपल लिवर के सेल बना पाऊं। समझ में आ रही बात, मैं सारे सेल नहीं बना पाऊंगा। अगर मेरे पास पावर होती सारे सेल्स बनाने की तो मेरे पास उस पावर को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटिपोटेंसी। समझ में आ रही बात, समझ गया ना आप लोग को। सो अगर मेरे पास सिर्फ एक ऐसी पावर है जिससे मैं सिर्फ एक टाइप के सेल बना सकता हूं तो इस पावर को मैं क्या कहूंगा, दैट इज प्लूरीपोटेंसी। समझ में आप लोग क्या होता है। अब स्टेम सेल्स के पास कौन सी पावर होती है, देखो स्टेम सेल्स के पास दोनों पावर होती है। स्टेम सेल्स के पास टोटिपोटेंसी भी है और प्लूरीपोटेंसी है, ये वाली पावर भी है और टोटिपोटेंसी वाली पावर भी है। मतलब आपका एक स्टेम सेल्स एक पूरा ऑर्गेनिज्म भी फॉर्म कर सकता है और एक पूरा ऑर्गन या फिर हम लोग बोल सकते हैं एक पूरा टाइप का सेल्स भी फॉर्म कर सकता है। सही बात है। और अगर आपकी बॉडी में सेल्स फॉर्म होंगे तो उन सेल्स के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। फिर टिश्यू के ग्रुप को हम लोग क्या बोलेंगे, ऑर्गन। ऑर्गन से क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम। यही होता है ना हमारे बॉडी के अंदर, ऐसी फॉर्मेशन देखने के लिए मिलती है। क्लियर है, ठीक है, समझ में आ गया। सो आई होप आप लोग को स्टेम सेल्स के बारे में समझ में आ गया। इन अच्छा स्टेम सेल्स क्या होते हैं, तो इस जायगोट को ही मैं स्टेम सेल्स लिख सकता हूं। ठीक है, इस जायगोट को ही मैं क्या लिख सकता हूं, स्टेम सेल्स। या फिर ये जो इनिशियली बने हुए हैं, ठीक है, इनिशियली जो सेल्स बने हुए हैं इनको भी मैं स्टेम सेल लिख सकता हूं, क्योंकि इससे भी आगे चले क्या फॉर्म होने वाली है, कुछ ना कुछ सेल्स फॉर्म होने वाली है। तो देखो स्टेम सेल्स जायगोट भी है, स्टेम सेल्स ये सेल भी है। इन सेल्स के पास पावर क्या थी, प्लूरीपोटेंसी की। इस सेल के जायगोट के पास पावर क्या थी, टोटिपोटेंसी की। इसका मतलब स्टेम सेल्स के पास दोनों पावर है, उसके पास टोटिपोटेंसी भी है, ठीक है, टोटिपोटेंसी वाली पावर भी है और प्लूरीपोटेंसी वाली पावर भी है। क्लियर है, समझ में आ गया, इतना एकदम क्लियर हो, आई होप आप लोग एकदम क्लियर होगा। ठीक है, इस वीडियो को पूरा देखो, आप लोग को ये चैप्टर एकदम इजीली समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को और इसके आने वाले जो वीडियोस होंगे उसको पूरा कंप्लीटली देखना, आप लोगों को हर एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग को पढ़ना है, दैट इज टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्टेम सेल्स दो टाइप्स के होते हैं जनरली। ये किस बेसिस पे डिवाइड है, ये इस पे डिवाइडेड है कि आप किस स्टेज पे हो। अगर आप एक बेबी हो, मतलब आप फॉर्म हो रहे हो धीरे धीरे, तो उस पे एक टाइप के स्टेम सेल्स मिलेंगे। यदि आप अडल्ट हो, मतलब मेरे जैसा या फिर आपके जैसा कोई एक बंदा पूरा फॉर्म हो चुका है, तो उसके अंदर कौन से स्टेम सेल्स मिलेंगे, तो इस आधार पे हम लोग ने स्टेम सेल्स को दो कैटेगरी में बांट दिया है। ठीक है, दो कैटेगरी में बांट दिया है। एक है आपका एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स और एक है आपका, अरे क्यों भाई, तो एक है आपका दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। ठीक है, एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। आई नो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अगर स्पेलिंग गलत है तो थोड़ा सा चेक कर लेना। एक है एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स, ठीक है, और एक है आपका अडल्ट स्टेम सेल्स। ठीक है, अडल्ट स्टेम सेल्स। क्लियर है, समझ में आ रही बात। यहां देखो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होता है, जैसा मैंने अभी आप लोग को बताया कि जब आपके बॉडी में जायगोट फॉर्म हुआ था, ठीक है, जब आपके बॉडी में क्या फॉर्म हुआ था, जायगोट फॉर्म हुआ था, और उस जायगोट से आगे चल के क्या हुआ था, कुछ टाइप्स ऑफ सेल्स बने थे। ठीक है, फॉर एग्जांपल इट इज अ जायगोट, ये आपका एक जायगोट है, जो कि कैसे बना है सबको पता ना आप, ये कैसे बना है, दैट इज फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। जब आपका मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे से क्या होंगे, फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन होगा, तब क्या फॉर्म हो जाएगा, जायगोट। अब इस जायगोट फॉर्मेशन के 14 दिन बाद, ठीक है, इस जायगोट फॉर्मेशन के 14 दिन बाद यहां पे बड़े सारे क्या बन जाते हैं, सेल्स बन जाते हैं। ठीक है, 14 दिन बाद बहुत सारे टाइप्स के क्या बन जाते हैं, सेल बन। ये 14 दिन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सही है, क्योंकि अगर आप एक महीने बाद की बात करोगे तो यहां पे सेल्स बहुत ज्यादा मेच्योर भी हो चुके होते हैं। तो सिर्फ अगर मैं 14 दिन की बात करूं तो इस टाइम पे यहां पे कुछ थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बने होते हैं। कितने, थाउजेंड्स ऑफ सेल्स बने होते हैं। तो यहां पे कुछ सेल्स होंगे, यहां पे कुछ सेल्स होंगे, यहां पे कुछ सेल्स होंगे, समझ रहे हो। और ये सेल्स सब किससे बने हुए हैं, ये सारे के सारे सेल्स किससे बने हुए हैं, एक जायगोट से बने हुए हैं। समझ में आ रही बात। सो दिस जायगोट इज ऑल्सो अ स्टेम सेल्स। समझ में आ रही, जायगोट भी क्या है, एक टाइप का स्टेम सेल्स है। साथ ही साथ ये 14 डेज के बाद जो अलग से स्टेम सेल्स बने ना, दीज आर ऑल्सो स्टेम सेल्स। समझ में आ रही बात, समझ रहे हो। तो इससे आगे चल के कोई एक टाइप का सेल बनेगा, जैसे आपका हिपेटोसाइट बन सकता है। फिर इससे आगे चले कोई एक टाइप का सेल बनेगा, जैसे आपके न्यूरॉन्स बन सकते हैं। तो ऐसे
इस एक सेल से आगे चल के बड़े साइज एक एक सेल से आगे चल के एक टाइप का सेल्स बन सकता है। ऐसे कितने टाइप के सेल्स होते हैं, दैट इज टोटल 220 टाइप्स के सेल्स होते हैं। ठीक है, आपके 220 टाइप्स के क्या होते हैं आपके बॉडी में सेल्स होते हैं, इससे भी ज्यादा भी हो सकते हैं। अभी डिस्कवर सिर्फ और सिर्फ कितने हैं 220, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं, समझ में आ रही बात, लेकिन 220 तो श्योरली होते ही है। सो एक टाइप के सेल्स है, एक टाइप मतलब क्या, आपके एक जायगॉट से आगे चल के 220 टाइप के क्या बन गए, सेल्स बन गए, समझ में आ रही बात। तो अगर जायगॉट की बात करूं तो जायगॉट की पावर को मैंने क्या बोला था, टोटिपोटेंसी। वही अगर 14 दिन बाद इन सेल्स की पावर की बात करूं तो ये क्या हो जाएंगे, दैट इज प्लूरिपोटेंसी। ठीक है, इनकी पावर की मैं क्या, इनके पावर को मैं क्या बोलूंगा, दैट इज प्लूरिपोटेंसी। क्लियर है? ठीक है, तो अब देखो ये जितने भी ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये जितने भी सेल्स, ऑर्गेनिज्म नहीं बोल रहा, ये जितने भी सेल्स है ये कहां पे प्रेजेंट है, ये आपकी एम्ब्रियोनिक स्टेट में प्रेजेंट है। एम्ब्रियोनिक स्टेट मतलब क्या कि जब आपका जो सेल्स है वो डिवाइड हो रहे हैं और आप एक ऑर्गेनिज्म बनने की कगार, मतलब ऑर्गेनिज्म बनने की हम लोग बोल सकते हैं प्रोसेस चल रही है। ठीक है, उस दौरान क्या चल रहा है, एक ऑर्गेनिज्म बनने की प्रोसेस चल रही है, तो उस स्टेज को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज, सही बात है, इसीलिए इस स्टेज में जितने भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे इन स्टेम सेल्स को हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्लियर है, समझ में आ गया, इस स्टेज में आपके बॉडी में जितने भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे मैं क्या बोलूंगा, दैट इज एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स। क्लियर है, समझ में आ गया। अब देखो नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, दैट इज अडल्ट स्टेम सेल्स की। इसको थोड़ा सा साइड कर देते, आ जा, ठीक है, चलो अडल्ट स्टेम सेल्स की बात करते हैं। अडल्ट स्टेम सेल्स, आप लोग बोलोगे कि सर अडल्ट के बॉडी में भी स्टेम सेल्स होते, हमारे बॉडी में भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे क्या? हाँ बिल्कुल, आपके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। देखो मैं आप लोग एक बात बताता हूं, हमारे बॉडी के अंदर जो हम लोग बोल सकते हैं हमारे बॉडी में जितने भी रेड ब्लड सेल है, ठीक है, क्या प्रेजेंट है, RBC, रेड ब्लड सेल। आपको पता है ना हमारा ब्लड रेड क्यों दिखता है, बिकॉज ऑफ अ फोटो, इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, दट इज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर क्या है, आयरन प्रेजेंट है। आयरन कौन से कलर का होता है, रेड कलर का होता है, इसलिए हमारा ब्लड क्या होता है, रेड कलर का होता है। तो आयरन किसके में अंदर प्रेजेंट है, हीमोग्लोबिन में, और हीमोग्लोबिन कहां प्रेजेंट है आपके आरबीसी में, इसीलिए इस ब्लड सेल, इस सेल को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज रेड ब्लड सेल। ठीक है, सेल को हम लोग क्या बोल रहे हैं, रेड ब्लड सेल। आपके ये जो रेड ब्लड सेल है ना, इसकी जो लाइफ होती है ये सिर्फ 120 दिन की होती है। ठीक है, आपके बॉडी के रेड ब्लड सेल की लाइफ कितनी होती है, सिर्फ और सिर्फ 120 दिन की होती है। मतलब सॉरी, मतलब हर 120 दिन में, ठीक है, आपके बॉडी में हर 120 दिन में नए आरबीसी बनेंगे। ठीक है, नए आरबीसी क्या होंगे, बनेंगे, और इस नए आरबीसी बनाने के लिए क्या चाहिए भैया आपके लिए, आपको क्या लगेंगे, स्टेम सेल्स लगेंगे। सही है, आप जब तक जिंदा रहोगे तब तक आपके बॉडी में हर 120 दिन में क्या बनेंगे, आरबीसी बनेंगे। साथ ही साथ कभी आप लोग को चोट लगी होगी, ठीक है, गलती से कभी लग गई होगी, मैं चाहता नहीं हूं कि आपको चोट लगे, बट कभी आप लोगों ने देखा होगा या फिर आपको गलती से कभी चोट लग गई होगी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ टाइम बाद जब वो जिस जहां पे चोट लगी होती है ना वहां पे एक नई स्किन डेवलप होने लगती है। ठीक है, जहां पे आपको चोट लगी होती है क्या वो चोट आपकी जिंदगी भर रहेगी क्या, नहीं, एक हफ्ते में दो हफ्ते में वहां पे एक नई स्किन डेवलप होने लगती है, फिर वो जो ऊपर वाली डेड स्किन है वो निकल जाती है और वहां पे एक नई स्किन क्या आ जाती है, फॉर्म हो जाती है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ आपके बॉडी के अंदर, बिकॉज ऑफ द स्टेम सेल्स, बिकॉज आपके बॉडी के अंदर कुछ स्टेम सेल्स थे वो वापस क्या कर दिए, माइटोसिस शुरू कर दिए। सही है, माइटोसिस मतलब क्या, सेल डिवीजन, मैंने आप लोगों को पढ़ाया ऑलरेडी, तो वापस क्या हो गया, वहां उसके अंदर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया। अब आपको चोट चाहे बचपन में लगे, चाहे आप थोड़े बड़े हो जाओ, अडल्ट हो जाओ, तो भी आपके बॉडी में वो चोट क्या हो जाएगी, हील हो जाएगी। सही है, हीलिंग प्रोसेस हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि आपके बॉडी में उस टाइम पे भी कुछ ना कुछ स्टेम सेल्स प्रेजेंट होंगे। ऐसे स्टेम सेल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अडल्ट स्टेम सेल्स। कहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ये जो हमारे आरबीसी बनाने वाले स्टेम सेल्स है ये कहां प्रेजेंट होते हैं, हमारे रेड बोन मैरो में, या फिर हम लोग सीधा लिख दे बोन मैरो में। ठीक है, कहां प्रेजेंट होंगे, बोन मैरो में, फिर आपके कनेक्टिव टिश्यू में। कनेक्टिव टिश्यू मतलब क्या, कनेक्टिव टिश्यू का एग्जांपल है दैट इज ब्लड। ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू, मतलब आपके बॉडी के अंदर ऐसे कोई टिश्यूज जो आपके बॉडी के एक पार्ट को दूसरे पार्ट से कनेक्ट कर रहे हैं, जैसे ब्लड होता है ना, ब्लड एक जगह से दूसरी जगह घूमता रहता है, तो क्या कर रहा है, वो कनेक्ट कर रहा है एक दूसरी चीजों को। तो कनेक्टिव टिश्यू के अंदर भी क्या प्रेजेंट होंगे, आपके अडल्ट स्टेम सेल्स। समझ में आया ये कंसेप्ट, आई होप आप लोग क्लियर हो गया होगा कि एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल्स क्या होते हैं और अडल्ट स्टेम सेल्स क्या होते हैं। फिर यहाँ पे एक मैंने चीज लिखी हुई है कि एक टाइप के सेल्स से, एक टाइप के स्टेम सेल्स से आप लोग 220 टाइप्स के सेल्स भी बना सकते हैं। ठीक है, फिर कभी कभी देखा जाता है कि बहुत सारे बच्चों में मतलब क्या किया जाता है कि वो जो स्टेम सेल, जब बेबी का बर्थ होता है, ठीक है, किसी बच्चे का बर्थ होता है तो उसके बॉडी के अंदर जो उसका एम्ब्रियोन, ये बोलते हैं ना अम्बेलिकल कॉर्ड होता है, ठीक है, अम्बेलिकल कॉर्ड होता है ना, हमारी जो नाभि से कनेक्टेड होता है, तो उस अम्बेलिकल कॉर्ड को जब कट किया जाता है ना तो उसके अंदर से भी जो ब्लड निकलता है उसके अंदर भी स्टेम सेल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बहुत सारे डॉक्टर्स क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस सेल्स को प्रिजर्व करके रख लेते हैं। ठीक है, प्रिजर्व करके रख लेते हैं, उसको प्रिजर्व करने के लिए आप लोग को
लिक्विड नाइट्रोजन लगेगा क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम होता है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम होता है, -160 -180 ऐसा कुछ होता है, शायद आपके बुक में दिया होगा, देख लेना कितना टेम्परेचर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो -160 -180 टेम्परेचर तक क्या किया जाता है, उसको स्टोर किया जाता है, उस स्टेम सेल्स को जिंदा रखा जाता है। क्यों जिंदा रखा है, कि अगर फ्यूचर में गलती से भी अगर आपको कोई एक्सीडेंट हो गया या फिर गलती से भी आपका कोई ऑर्गन फेल हो गया, ठीक है, आपके बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन्स है ना, तो अगर आपका बॉडी में कोई ऑर्गन फेल हो गया तो इस स्टेम सेल से, ठीक है, इस स्टेम सेल से हम लोग लैब में, ठीक है, लैब के अंदर क्या कर सकते हैं, न्यू ऑर्गन को बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर। हम लोग टिश्यू कल्चर पढ़ाया ना मैंने आप लोग को, तो टिश्यू कल्चर के हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, एक नया ऑर्गन बना सकते हैं, और फिर वो ऑर्गन को हम लोग ट्रांसप्लांट कर देंगे किसके अंदर, उस ऑर्गेनिज्म के, उस ऑर्गन बंदे के अंदर जिसका क्या हो चुका है, एक्सीडेंट हो चुका है या फिर ऑर्गन फेलियर हो चुका है। तो बहुत ज्यादा यूजेस होता है स्टेम सेल्स के, क्लियरली समझ में आ गया, ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज अवर यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स। मैंने अभी आप लोगों को बताया यूजेस ऑफ स्टेम सेल्स क्या होता है, सबसे पहला यूजेस क्या है, दैट इज रीजेनरेटिव थेरेपी। रीजेनरेटिव थेरेपी मतलब क्या, कि अगर आपके बॉडी के अंदर कोई सेल्स डैमेज हो चुके हैं, ठीक है, कोई आपके सेल्स डैमेज हो चुके हैं, तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, ठीक है, उन सेल्स को आप रिप्लेस कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्टेम सेल्स। क्या करो, आप नए अच्छे स्टेम सेल्स डालो आपके बॉडी में, जिसके अंदर क्या करेंगे वो स्टेम सेल्स उन सेल्स को फॉर्म करने लगेंगे, जिसकी वजह से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि आपके बॉडी में वो सेल्स क्या हो गए, रीजनरेट हो गए। बहुत सारी बीमारियां होती है जैसे अल्जाइमर डिजीज में पता है क्या होता है, लोगों की मेमोरी चली जाती है, ठीक है, जो आपके दिमाग में जो मेमोरी होती है ना, या फिर वो चली जाती है, लोग बहुत ही अजीब तरीके से वियर्ड तरीके से एक्ट करने लगते हैं, बहुत छोटी छोटी चीजें वो नहीं कर पाते, ठीक है, वो अल्जाइमर डिजीज में। क्यों, क्योंकि आपके बॉडी के अंदर जो ब्रेन सेल्स है वो धीरे धीरे डैमेज होने लगते हैं। फिर हम लोग बोल सकते हैं पार्किंसन डिजीज, बहुत फेमस है ये पार्किंसन डिजीज। ये क्यों होता है पता है, आप लोग ने सुना होगा कि आपके बॉडी के अंदर एक हार्मोन रिलीज होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डोपामीन, ठीक है, तो अगर आपके बॉडी के अंदर डोपामीन निकलना बंद हो जाए, डोपामीन का सिक्रीशन बंद हो जाए, तो उससे आपको एक बीमारी हो जाएगी जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज पार्किंसन डिजीज। इसमें होता है क्या पता है, इसमें बॉडी ऐसे शेक करने लगती है, ठीक है, ऐसे शेक होने लगेगी, अपने आप को जो इंसान है वो अजीब अजीब सी चीजें करेगा, उसको खुद नहीं समझ में आएगी चीजें चल क्या रही है, समझ में आ रही बात। तो ये बहुत ही अजीब अजीब सी डिजीजेस है, ठीक है, और इसको हम लोग क्योर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रीजनरेटिव थेरेपी, क्लियर है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन जैसा मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अगर किसी पर्सन का बॉडी का कोई ऑर्गन खराब हो जाता है, चाहे वो एक्सीडेंट में हम लोग बात करें, या फिर हम लोग बोल सकते हैं ऑर्गन फेलियर हो गया, जैसे लंग्स फेल हो जाते हैं, ठीक है, किडनी फेल हो जाती है, कोई बंदा ज्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो उसके जो किडनी है वो फेल हो सकती है, कोई बंदा ज्यादा सिगरेट कंज्यूम करता है तो उसके लंग्स खराब हो सकते हैं। तो इस टाइम पे, ठीक है, इस टाइम पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर उसका स्टेम सेल्स है मेरे पास, तो मैं क्या कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टिश्यू कल्चर, मैं उस स्टेम सेल से उसका वो ऑर्गन वापस ग्रो कर सकता हूँ, ठीक है, साइंटिस्टों को पता है सारी चीजें कैसे होती है। सो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका वापस वो ऑर्गन ग्रो कर सकते हैं, और फिर उस ऑर्गन को हम लोग क्या कर देंगे, ट्रांसप्लांट कर देंगे, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, क्लियर है। सो आ जाओ इसी पे हम लोग का एक बड़ा सा टॉपिक है, दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एंड बॉडी डोनेशन। क्या होता है भैया, देखो अगर आपको ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन करना है, देखो बहुत सारे ऐसे ऑर्गन होते हैं जो आप अपनी लाइफ के ड्यूरिंग में भी ये कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, और एक फंडा है दैट इज ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन। ट्रांसप्लांटेशन मतलब क्या है, कि आपका कोई ऑर्गन खराब हो चुका, ठीक है, और उससे क्या करो, आप स्टेम सेल्स के हेल्प से कुछ नए सेल्स को फॉर्म करो, कुछ नए सेल्स बनाओ, और क्या कर लो, आप उसको अपनी बॉडी में इंसर्ट कर लो, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, सही बात है। या फिर अगर आप कोई बंदा है, कोई डोनर है, ठीक है, कोई डोनर है, कोई बंदा आपको डोनेट करना चाहता है कोई ऑर्गन, जैसे आपके फैमिली में कोई ऑर्गन हो सकता, कोई बंदा हो सकता है, फिर कोई भी हो सकता है, तो वहां से आप क्या कर सकते हो, ऑर्गन को डोनेट भी कर सकते हो, बॉडी डोनेशन भी कर सकते हो, समझ में आ रही बात। तो कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं हमारे बॉडी को, बॉडी के अंदर, जो हम लोग विद इन अ लाइफ टाइम हम लोग डोनेट कर सकते हैं, मतलब आप जिंदा रहोगे वो ऑर्गन आप डोनेट भी कर दोगे तो भी आप जिंदा रहोगे, जैसे किडनी, ठीक है, किडनी आपके पास पेयर ऑफ किडनी होती है, दो किडनी होती है ना, तो हम लोग जनरली सिंगल किडनी पे भी सर्वाइव कर सकते हैं, तो आप अपना एक किडनी भी डोनेट कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि डोनेट करने चले जाना, सही है, अपने किडनी को बचा के रखो, ऐसा नहीं कि आईफोन के लिए डोनेट कर देना, ठीक है, समझ में आ रही बात। तो आप अपने किडनी को भी डोनेट कर सकते हैं, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि आप अपने बॉडी के जो स्किन होते हैं ना, ठीक है, अपने बॉडी का हम लोग स्किन भी डोनेट कर सकते हैं, मतलब आपकी बॉडी की स्किन वापस ये हो सकती है, रीजनरेट हो सकती है, क्लियरली समझ में आ रही। लेकिन कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हम लोग अपने लाइफ टाइम में डोनेट नहीं कर सकते, जब हम लोग की डेथ हो जाएगी उसके बाद ही हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई चीज को डोनेट कर, जैसे हमारी आईज, ठीक है, तो अभी हम जिंदा है तो मुझे आंखों की जरूरत है, मैं आंखें डोनेट कर सकता हूं, लेकिन फिर मैं अंधा हो जाऊंगा ना, तो अगर कोई पर्सन है, ठीक है, जो ब्लाइंड है, तो उसको मैं, अगर मेरी डेथ हो गई तो मैं क्या
कर सकता हूं उसको, अपने ऑर्गन्स को डोनेट कर, जैसे मेरी आंखें डोनेट कर सकता हूं, ठीक है, मेरा हार्ट डोनेशन हो सकता है, ठीक है, मेरे जो लंग्स है वो डोनेट किया जा सकता है, फिर बोल सकते हैं मेरे स्टोन्स, जो स्टोन्स बोल रहा हूं, मेरे बोन्स जो है उनको भी डोनेशन किया जा सकता है। तो मैंने यहां पे कैटेगराइज किया दो ऑर्गन्स को, ठीक है, क्या है, दैट इज डोनेशन। अगर मैं डोनेशन की बात करूं, सो ड्यूरिंग द लाइफ टाइम, मतलब अगर आप लाइफ टाइम में कौन कौन से ऑर्गन डोनेट करते हो, मतलब आप जिंदा, ठीक है, लाइफ टाइम मतलब क्या, जिंदगी, जब आप जिंदगी जी रहे हो उस टाइम पे, सो आप लिवर को डोनेट कर सकते हो, ठीक है, लिवर नहीं भैया, लिवर क्यों लिख दिया मैंने यहां पे, गलत है, लिवर नहीं, हां इट्स अ किडनी, गलती से लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप अपने किडनी को डोनेट कर सकते हो, साथ ही साथ आप अपने कुछ पार्ट ऑफ स्किन को भी डोनेट कर सकते हो विद इन योर लाइफ टाइम। क्लियर है इतनी बातें। अगर आफ्टर डेथ की बात करें, ठीक है, आफ्टर डेथ की बात करें तो बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आप अपना लिवर डोनेट कर लो, अपना हार्ट डोनेट कर लो, आप अपने ईयर्स को डोनेट कर लो, फिर आपने बोन को डोनेट कर सकते हो, ठीक है, आप अपने बोन्स को भी डोनेट कर सकते हो, और भी बड़ी सारी चीजें जो आप क्या कर सकते हो, डोनेट कर सकते हो, ऐसे ऐसी सारी चीजें आपके बॉडी के अंदर है। लेकिन ये सारी कब पॉसिबल है, सिर्फ और सिर्फ आफ्टर डेथ, ठीक है। हमारे इंडिया में ज्यादा बॉडी डोनेशन का ये नहीं है, हम लोग बोल सकते हैं ज्यादा लोगों के बारे में, लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग ऐसा मानते हैं ना कि हम लोग बहुत ही रीजनल बिलीव करते हैं, बहुत ही बोलते हैं कि हमारी बॉडी, मतलब रीजनली हम लोग बोल सकते हैं कि हमारी बॉडी ऐसी है, अगर आप उसके बॉडी का कोई ऑर्गन निकाल लोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। लेकिन बाहर की कंट्री की बात करूँ, जैसे अमेरिका की बात करूँ या फिर डेवलप कंट्री की बात करूँ, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें नॉर्मल है। अगर कोई पर्सन ये हो जाता है, डेथ हो जाता है, तो जनरली उसके बॉडी के जो ऑर्गन्स हैं वो किसी ऐसे पर्सन के काम आ सकते हैं जो जनरली जिंदा है, सही है, जो जिंदा है लेकिन उसके बॉडी में वो ऑर्गन नहीं है या फिर अच्छे से फंक्शन नहीं कर रहे, तो उसके बॉडी के अंदर ये सारी चीजें काम आ सकती है। क्लियर है, ठीक है। तो हमें भी बॉडी डोनेशन की तरफ जाना चाहिए, अगर मतलब हमारी जो डेथ हो जाए तो हमारी जो ये है बॉडी पार्ट्स है वो किसी नीडेड पर्सन, जो बंदा किसी को नीड है उसको हम लोग फुलफिल कर सकते, क्योंकि हम तो देखो जब हमारी डेथ हो जाएगी तो वो ऑर्गन हमारे लिए किसी काम का नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस ऑर्गन को, ठीक है, खुद डोनेट कर सकते हैं किसी पर्सन को, ताकि उसकी जिंदगी थोड़ी सी बेटर हो जाए। क्लियर है, समझ में आया। सो आई होप आप लोगों को इतनी चीजें समझ में आ गई होंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो बायोटेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर है। सो आई होप आप लोगों को आज का लेक्चर समझ में आया होगा, आज का लेक्चर पढ़ने मजा आया होगा, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर देना, ठीक है, अगर आपको मजा आया तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दो, नए हो तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर दो, ताकि आने वाले जो नेक्स्ट लेक्चर्स है उसकी जो नोटिफिकेशन है वो भी आपको आपके फोन में मिल जाए। क्लियर है, समझ में आया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग।